राजधानी देहरादून में रिसपना नदी के किनारे 2016 के बाद से किए गए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब इस कार्रवाई के तहत ही नगर निगम की टीम ने भावी पुलिस बल के साथ चूना भट्टे से अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत की। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश के बाद 2016 के बाद रिसपना नदी के किनारे अवैध बस्तियों के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी दौरान उपनगर आयुक्त गोपाल राम बेनवाल ने बताया कि रिसपना नदी के किनारे 2016 के बाद 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिसमें से कई अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। इसके तहत ही अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। रिसपना नदी के किनारे जो अवैध अतिक्रमण है उनका चिन्हीकरण किया गया था। इसमें जो 2016 के बाद जो अवैध अतिक्रमण है उन्हीं का चिन्हीकरण किया गया है। इसमें 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिसमें 89 अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किए गए। उसी के क्रम में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।